दोस्तों, अश्लील फिल्मों के मामले में पिछले दो महीने से जेल में बंद राज कुंद्रा फिलहाल बाहर आ चुके हैं। 21 सितंबर यानी कि आज राज कुंद्रा को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। जुलाई में क्राइम ब्रांच की तरफ से गिरफ्तार किया गया था राज कुंद्रा को। इसके साथ ही दो महीने तक जेल में रहना पड़ा राज कुंद्रा को। सोशल मीडिया पर हाल ही में राज कुंद्रा की कुछ वीडियोज वायरल हो रही है, जिसमे जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं राज कुंद्रा। तस्वीरों में राज कुंद्रा गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में राज थोड़े से परेशान और दुबले भी नजर आ रहे हैं। वहीं राज कुंद्रा के माथे पर टीका लगा है, जिसे देख ऐसा लग रहा है कि रिहाई के बाद राज कुंद्रा सीधा मंदिर पहुंचे थे। राज कुंद्रा की तस्वीरें इस टाइम इंटरनेट पर छाई हुई है, क्योंकि दो महीने पूरे कर राज कुंद्रा जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से रिहा होने के बाद राज कुंद्रा सीधे मंदिर पहुंचे थे भगवान के दर्शन करने। पति राज को जमानत मिलने की खबर सामने आने के बाद शिल्पा शेट्टी ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया। शिल्पा का ये कोट सीधे सीधे उनके सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा था कि किस तरीके से वो खुश है राज कुंद्रा के बाहर आने के बाद। इसके साथ ही राज कुंद्रा को बेल मिलने के बाद उनके बेटे वियान ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और गणपति बापा को थैंक यू बोला अपने पापा को बेल मिलने के बाद। राज कुंद्रा इस वक्त अपने घर में मौजूद है, घर पहुंच चुके हैं। अब घर के अंदर क्या चल रहा है ये बातें अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि राज को जमानत मिलने के बाद उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। शिल्पा शेट्टी बेहद खुश है, क्योंकि फाइनली दो महीने के बाद राज कुंद्रा बाहर आ गए हैं। राज कुंद्रा की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस तरीके से राज कुंद्रा की टीके लगी वाली फोटोज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उससे ये बात सामने आ रही है कि राज कुंद्रा जेल से रिहा होने के बाद भगवान के दर्शन करने मंदिर पहुंचे थे, जहां से होने के बाद वो सीधा अपने घर पहुंचे हैं।